जयपुर। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अग्रणी नेता और गुर्जर समाज के सर्वमान्य नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। विधायकी के लिए बैंसला ने पूरी तैयारी कर रखी है, सीट भी तय है। हालांकि इस बार वे कांग्रेस व भाजपा के बजाय किसी तीसरे दल के ज्यादा संपर्क में हैं। बैंसला आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी इस दल के मुखिया और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में वार्ता भी हो चुकी है। चर्चा है कि 28 अक्टूबर को जयपुर में अरविंद केजरीवाल की प्रस्तावित चुनावी सभा में कर्नल बैंसला भी शामिल हो सकते हैं और आप पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रभारी दीपक वाजपेयी समेत अन्य नेता सामाजिक, किसान और राजनीतिक संगठनों से जुड़े उन नेताओं से लगातार संपर्क में है जिनका समाज में वजूद है, लेकिन राजनीतिक दल उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। किसान महापंचायत के रामपाल जाट एडवोकेट मुनिंद्र सिंह, जो भाजपा से जुड़े हुए थे, वे भी आप पार्टी में शामिल हो गए। आप ऐसे कई अन्य नेताओं के संपर्क में हैं। अरविंद केजरीवाल की सभा में प्रदेश के कई बड़े नेता आप पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कर्नल बैंसला ने आप पार्टी का दामन थामा तो दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा आदि गुर्जर बहुल जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। 10 साल पहले बैंसला को टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा ने भी लोकसभा प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे चुनाव हार गए। इसके बाद भाजपा ने कर्नल बैंसला को कोई अहमियत नहीं दी। हालांकि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण बैंसला का कद आज भी गुर्जर समाज में काफी है। सरकार भी आरक्षण को लेकर कर्नल बैंसला से ही वार्ता करती है। बैंसला ने गुर्जर समाज की कई मांगों को मनाया भी है।